वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे कोकोनट पीठा स्टफिंग। बंगाली स्वीट रेसिपी पीठा के स्टफिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसे किस तरह से बनाया जाता है देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम ग्रेटेड कोकोनट ले लिया है, ये फ्रेश कोकोनट है। और यहाँ पे 150 ग्राम गुड़ ले लिया है, जितना कोकोनट लेंगे उतना ही गुड़ लेंगे। अब पैन में 1 टीस्पून के करीब घी डालेंगे और घी को मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें गुड़ डालेंगे। अब गुड़ को मीडियम टू लो फ्लेम पे करछी को चलाते हुए इसे 80% तक मेल्ट होने देंगे। और गुड़ जब इस तरह से 80% मेल्ट हो जाए तब इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड नारियल और गुड़ के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। करछी को हमें लगातार चलाते रहना है। गुड़ और नारियल जब इस तरह से मिक्स हो जाए तब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। अब इस स्टफिंग को बहुत ज़्यादा ना पकाएं वरना ये चिपचिपा बन जाएगा। इसे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगता है और इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल ना करें। आप इसे 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और ये हमारा स्टफिंग बन चुका है। ठंडा होने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे लड्डू बना सकते हैं, किसी भी स्वीट में स्टफिंग कर सकते हैं। स्पेशली इससे पीठा बनाया जाता है। आप भी इसे ट्राई कीजिए।